As I say, don't register a marriage. केतु इन सेवंथ हाउस. सो फॉर अ रीज़न आई से दिस. एंड लोग कहते हैं कि मैरिज की एक इक्वेजन क्या है, मैरिज का प्लानट कौन सा है. जी वीनस, ठीक है, बट वो एक हाफ है. वीनस केवल आपकी मैरिज की सिचुएशन नहीं दिखाता है, ठीक है. एंड वीनस प्लस सैटर्न इज इक्वल टू मैरिज, ठीक है. सैटर्न के बिना मैरिज कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनली जो होता है सैटर्न रूल करता है आपका टेंथ हाउस को, है ना. देन सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क सैटर्न. एंड वो टेंथ हाउस को रूल करता है ओरिजिनली सैटर्न, वर्क और कमिटमेंट को. सो नो मैटर आप कितने भी आपका रिलेशनशिप जो है वो पैशनेट था, एज सून एज आपने शादी करी, वो रजिस्टर करवाई, तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया सैटर्न के थ्रू. बट ठीक है, आप किसी वर्क एनवायरनमेंट भी हैं, आप किसी जॉब में भी हैं, तो जब आप जॉब करते हैं तो आपके पास अपनी स्टैम्प होनी चाहिए. आप अपने नाम की स्टैम्प लगाओगे लीगली, तो वो आपके टेंथ हाउस को एक्टिवेट करेगी. नॉर्मल ऐसे एग्रीमेंट नहीं कंपनी के साथ, अपनी स्टैम्प आपको लगानी है, तब आपका सैटर्न एक्टिवेट होगा. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद वर्क सेम मैरिज के साथ है. एंड ठीक है, वीनस आपका पानी की तरह है, सैटर्न आपका ड्राई प्लैनेट है, वीनस को ड्राई करता है. सो यस, शादी के बाद जो चीज़ें हैं वो ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं स्लोली, ठीक है. बट बात समझें आप कि अगर कोई मैं मेरे कपड़े गीले हैं, ठीक है, मैं सुखाऊंगा ड्रायर के सामने या फिर हीटर के सामने, तो फिर भी नॉर्मल रहेगा, धीमे धीमे ड्राई हो जाएगा. बट अगर सन है तो सन तो फायर हो गया, वो बर्न कर देगा, तो इसलिए वो डाइवोर्स का अलाइनमेंट है, ठीक है.